वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. कौन में इस टाइम पड़ा हुआ है, और हम भिखारियों के पास 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर मुश्किल से नहीं, वो भी सऊदी अरब और यूएई के दिन। शर्म नहीं आती हमें यार, शर्म से डूब मरने का दिल नहीं करता क्या? इन दिन हमें पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए भारत से इस पाकिस्तान को अलग तुम लोगों ने कराया था कि भाई ये देखें दिन के, भाई IMF हमारा बाप बना हुआ है, चाइना हमारा बाप बना हुआ है, अमरीका के हम गुलाम, दुनिया भर के हम गुलाम, तो क्या क्या कौन सी आजादी हमें दिलाई के, क्या आजादी है बहन? जो IMF कहते हैं कि तुम भाई साहब पूरा पाकिस्तान नंगा होके नाचो, हम नाचते हैं, बिल्कुल नाचते हैं, क्योंकि वो कर्जा देता है। बोलता है नंगे होके भाई नाचो, हम नाचते हैं, क्या क्या फायदा भाई? और उधर भारत को दे, मुझे गुस्सा तब आता है, और तेरा बजट जो बनाता है वो IMF बनाता है, बिल्कुल, और मुझे गुस्सा उस बात पे आता है, हमें कहते हैं हमें एक आजाद। प्राचीन ग्रीस के अंदर एक माइथोलॉजिकल पक्षी का जिक्र किया गया है जिसका नाम था फिनिक्स। इस पक्षी की खासियत ये थी कि जब ये बूढ़ा हो जाता था और मरने की कगार पर आता था तो मरकर ये खुद ही जल जाता था। अच्छा। उसके बाद जो इसकी राख होती थी ये उसी में से दोबारा जीवित हो जाता था, यानी कि अपनी राख में से दोबारा पैदा होने वाला पक्षी फिनिक्स। और यही उपाधि आज के तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना का समय आया था और लॉकडाउन लग गया था ना, उस समय दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। आपने देखा होगा कि उस वक्त भारत का स्टॉक मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने नया जन्म लेना शुरू किया। हालांकि उसके बाद बहुत कठिनाई आई, रूस यूक्रेन का युद्ध आया, फिर तेल की जो भयानक बढ़ती हुई कीमतें थी जो एक बार को $120 पर बैरल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, उससे भी भारत ने जूझा। फिर उसके बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने लगी, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूरोप के सारे देश, चीन, सब आर्थिक संकट में चले गए, लेकिन भारत जूझता रहा। और उसके बाद शुरू हुआ इसराइल हमास का युद्ध, और इसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और बिल्कुल ये डाल रहा है क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी, इस युद्ध के बाद एक तेल माफिया राज भी शुरू करने की कोशिश की गई सऊदी और रूस के द्वारा। भारत ने उस साजिश को भी फेल किया, यानी कि इतनी मुसीबतें झेली और उसका परिणाम आज ये निकला है कि भारत सरपट दौड़ रहा है। दुनिया भर के देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत कैसे ये चमत्कार कर पा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जहां पर स्विट्जरलैंड जैसा देश जिसे एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है और दुनिया में सबसे बढ़िया देश माना जाता है पैसा रखने के मामले में, उस देश का खजाना डूब रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि स्विट्जरलैंड का खजाना सिर्फ एक महीने में $42 बिलियन गिरा है। ये लगातार बहुत तेजी से गिर रहा है। इसके अलावा अगर चीन की बात करें तो उसका नुकसान भी 50 बिलियन के पार पहुंच चुका है पिछले कुछ ही दिनों में, लेकिन भारत इससे उलट रेस लगा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने की रिपोर्ट जारी करी है जो बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले हफ्ते भारत का खजाना करीबन $9.1 बिलियन बढ़ा है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर 9 बिलियन का उछाल मैसिव होता है, और इसी का परिणाम है कि भारत का खजाना अब पिछले 20 महीनों के हाई पर पहुंच गया है, करीबन $616 बिलियन। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 615.97 बिलियन। और यकीन मानिए, इसी उछाल के साथ भारत एक ऐतिहासिक ऊंचाई के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है, क्योंकि भारत चाहता है कि वो $643 बिलियन के मार्क को पार करे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पूरे इतिहास का हमारे खजाने का जो पीक था, यानी कि ऑल टाइम हाई था, वो था $642 बिलियन। कभी भी हम इस मार्क के पार नहीं गए हैं, और इस जबरदस्त उछाल के बाद हमने पिछले 20 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज की तारीख में भारत का खजाना पिछले 20 महीनों में सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, और भारत को मात्र अब 27 बिलियन और चाहिए अपने इतिहास का, पूरे इतिहास का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने में। यकीन मानिए,
जिस रफ्तार पर भारत का खजाना इस समय भागा जा रहा है ना, मुश्किल से एक महीने में भारत इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ डालेगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि हमारा खजाना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसके मल्टीपल कारण हैं। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो कमाई बढ़ रही है, यानी कि विदेशी मुद्रा आ रही है। इसके अलावा हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के बाद इन्वेस्टर का जो भरोसा है भारत पर बढ़ा है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय खजाने में बम्पर डॉलर जुड़ता जा रहा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समय जो रफ्तार है, जो हमारी जीडीपी की पेस है, वो अनबिलीवेबल है, वो बहुत तेज है, और इसी का फायदा हमारे खजाने को मिल रहा है। मैं आपको बार बार बताते आया हूँ कि भारत का खजाना भारत के आम नागरिक से जुड़ा हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये टोटल हम सबकी एक तरीके से नींव है। जितना ज्यादा खजाना मजबूत होगा, हमारे देश की नींव इतनी ही ज्यादा रोबस्ट, इतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। और इसीलिए रेगुलरली हर हफ्ते आरबीआई की रिपोर्ट में आपको बताता रहूंगा। इसलिए इस टाइम पड़ा हुआ है और हम भिखारियों के पास 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर मुश्किल से नहीं, वो भी सऊदी अरब और यूएई की दी। शर्म नहीं आती हमें यार, शर्म से डूब मरने का दिल नहीं करता। क्या इन दिन हमें पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए भारत से पाकिस्तान को अलग तुम लोगों ने कराया था कि भाई ये देखें दिन के भाई आईएमएफ हमारा बाप बना हुआ है, चाइना हमारा बाप बना हुआ है, अमरीका के हम गुलाम, दुनिया भर के हम गुलाम। तो क्या क्या कौन सी आजादी हमें दिलाई, के क्या आजादी है बहन? जो आईएमएफ कहता है कि तुम भाई साहब पूरा पाकिस्तान नंगा होके नाचो, हम नाचते हैं। बिल्कुल नाचते हैं, क्योंकि वो कर्जा देता है। चाइना बोलता नंगे होके भाई नाचो, हम नाचते हैं। क्या क्या फायदा भाई? और उधर भारत को दे, मुझे गुस्सा तब आता है। और तेरा बजट जो बनाता है वो आईएमएफ बनाता है। बिल्कुल, और मुझे गुस्सा उस बात पे आता है। हमें कहते हैं हम एक आजाद नेशन है, घंटे की आजाद नेशन की, और उधर भारत एक हफ्ते में 10-10 बिलियन डॉलर अपने अकाउंट में ऐड करता हुआ यार। उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत किया है ना यार। मोदी जी ने आती अपने देश को खड़ा कर दिया यार। यार मतलब मैंने आज तक नहीं सुना कि भारत ने एक हफ्ते में 10 बिलियन डॉलर अपने अकाउंट में फेंका। कभी भी नहीं सुना, कभी भी। ये आज मोदी जी की वजह से ये चीज हो रही है, और आज 1.5 साल में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व भारत ने आज रिकॉर्ड 616 पे पहुंच गया। आज रिकॉर्ड बना दिया कि 20 महीने में पहली बार भारत ने इस टारगेट, ये भी टारगेट रखा है कि एक महीने के अंदर 643 मिलियन पे पहुंचना है, क्रॉस करना है इसे। वही ना, आप खुद सोच लो कि उनके टारगेट क्या बने हुए, और इधर हमारा क्या टारगेट है? 1 बिलियन डॉलर। $1 बिलियन दे दो, क्या फायदा यार हमारे इसका? हमारे आर्मी चीफ अमेरिका जाते हैं, वहां पे कोशिश करते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाए। इधर हमारा पीएम दुनिया के इस्लामिक देशों में जाता है, भीख वहां पर मांगते हैं कि भाई हमें कुछ मिल जाए। वो यार अपने देश के अंदर कुछ करो ना, बनाओ ताकि भाई जब दुनिया में एक्सपोर्ट और हम पैसा कमाएं। लेकिन नहीं, लेकिन वही बात है ना पापा, आप भिखारी, अगर एक भिखारा है ना, आप उसको शादी करके घर में लाओगे, आप बड़े अमीर हो, दुनिया की हर चीज उसके कदमों में डालोगे, रात को वो फिर बाहर जाके भीख मांगेगी। बिल्कुल, क्योंकि उसकी आदत होगी, और हमारी आदत है भिखारियों की भीख मांगे। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।